मेषराशि, पुराने दोस्तों से मिलने का योग बन रहा है। किसी काम में वे आपके लिए मददगार साबित होंगे। मन में कई तरह के विचार भी रहेंगे, आप उनको लगातार जाहिर भी करते रहे। महत्वपूर्ण मामलों पर लोगों से बातचीत का मौका मिल सकता है, आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दिनचर्या में कुछ बदलाव भी आपको करने पड़ सकते हैं। दोस्तों के साथ ज्यादा समय बीतेगा, किसी तरह का दबाव महसूस करते आ रहे हैं तो वो कम हो सकता है। काम का बोझ थोड़ा कम होने के योग है। पार्टनर से संबंध सुधर सकते हैं, पार्टनर आपको पूरा समय देगा, आप अच्छा बोलकर अपने काम पूरे करवा लेंगे। नेगेटिव, हल्की बेचैनी और अच्छी खासी भाग दौड़ हो रह सकती है। किसी को उधार पैसा देने से आपके आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। पैसों के मामले में सोच समझ कर फैसले ले, क्या करें दूध पीकर घर से निकले। लवपति पत्नी के बीच गलतफहमी दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। करियर, आर्थिक मामलों में आपके लिए दिन अनुकूल हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। हेल्थ, पिता की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, आपकी भी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, सावधान रहे। वृषभ, नौकरी धंधे का तनाव खत्म हो सकता है, दिन भी अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपकी ही राशि में है, आज आप व्यवस्थित अंदाज और एकाग्रता से काम लेंगे तो ज्यादातर समस्याओं से निपट सकेंगे, आप सफल भी हो सकते हैं। पैसों की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, किसी उलझी हुई स्थिति में बाकी लोगों से बातचीत करने से आपको उसका समाधान मिल सकता है। आपको पैसों के क्षेत्र में कुछ नए मौके भी मिलने के योग हैं। आप जो भी करेंगे कुछ लोग भी उसकी देखा देखी कर सकते हैं। कोई भी काम सोच समझ कर ही करें, कुछ कारणों से पुरानी बातें भी याद आ सकती हैं। नेगेटिव, सुस्ती या बेचैनी महसूस हो सकती है, खान पान पर ध्यान देना होगा। सफलता के लिए उतावले ना हो तो ही अच्छा है, लापरवाही के कारण अपना ही नुकसान करवा सकते हैं। महंगी चीजें गुम होने या उनका नुकसान होने का योग बन रहा है, सावधान रहे। कुछ महंगी चीजें भी आप खरीद सकते हैं। ऑफिस या फील्ड में कुछ मामले उलझ भी सकते हैं और आप उनको सुलझाने में बिजी रहेंगे, क्या करें पूर्व दिशा में अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके ही कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करें। लव पार्टनर के साथ दिन बीतेगा, पार्टनर से सम्मान और प्यार मिलेगा। करियर, कार्य क्षेत्र में विवाद खत्म हो सकता है। बिजनेस में सफलता और फायदा मिलने के योग बन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिल सकती है। हेल्थ, मानसिक अशांति भी हो सकती है, तनाव और थकान हो सकती है। मिथुन, पॉजिटिव, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने के योग है। अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है, समझदारी से काम ले, काम के प्रति अपनी एकाग्रता भंग ना होने दे। चंद्रमा गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, ऑफिस में आपको कोई नया काम भी दिया जा सकता है। खुद को तैयार रखें, परिवार से पूरा समर्थन मिलेगा। यात्रा के भी योग बन रहे हैं, किसी पुराने विवाद में समझौता हो सकता है। संतान और शिक्षा की तरफ आपका ध्यान रहेगा। नेगेटिव, दिन थकाने वाला हो सकता है, आज आप किसी व्यक्ति को लेकर ज्यादा घबराहट भी महसूस कर सकते हैं। छिटपुट, झुंझलाहट और रुकावटें भी आ सकती हैं। अपनी मर्जी से व्यवहार या कोई काम करेंगे तो जरूर नुकसान हो सकता है, आपको पार्टनर से कुछ कम सुख भी मिलेगा। कामों में रुकावटों से परेशान हो सकते हैं, जीवन साथी से अनबन होने के योग बन रहे हैं। व्यसनों से दूर रहे, फालतू दिखावा भी ना करें, क्या करें तुलसी पत्र खाकर घर से निकले। लव लाइफ के लिए दिन थोड़ा मिला जुला हो सकता है, थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। करियर, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा, स्टूडेंट्स को मेहनत से सफलता मिल सकती है। कामकाज को लेकर आपकी टेंशन बढ़ सकती है। हेल्थ, सेहत के लिए दिन ठीक नहीं है, पेट खराब हो सकता है, मानसिक तनाव भी होगा, शारीरिक परेशानियां भी हो सकती है। कर्क, पॉजिटिव, ज्यादातर काम पूरे हो सकते हैं,
फायदा मिल सकता है, दोस्तों के साथ कोई कार्यक्रम बन सकता है, पैसों की स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं, भविष्य में क्या करना ठीक रहेगा और क्या नहीं, इसके बारे में विचार होगा और कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। बिजनेस के नए मौके मिलेंगे, कुछ मामलों में अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही फैसला करें। आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनके जवाब अपने आप मिल सकते हैं। कर्क राशि के लोग धैर्य रखें, आप स्टूडेंट्स हैं तो कुछ नई बातें सीखेंगे। परिवार के किसी मामले से जुड़े कुछ बड़े फैसले भी आप ले सकते हैं। नेगेटिव, आगे बढ़कर लोगों से बातचीत करने में संकोच ना करें, कोई काम शुरू करने के लिए जरूरी कॉन्फिडेंस की कमी भी महसूस हो सकती है। कोई फैसला अपनी कल्पना के आधार पर करने से भी आपको नुकसान हो सकता है। धन लाभ या फायदे को लेकर आपके मन में किसी तरह का शक भी हो सकता है। क्या करें, सफेद रुमाल का उपयोग करें और मोजे भी सफेद ही पहने। लव पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, लव लाइफ के लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर आमदनी बढ़ सकती है, खर्चा भी बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, वहीं कुछ आलस्य और थकान महसूस कर सकते हैं। हेल्थ सेहत के मामले में सावधान रहे, पेट संबंधित बीमारियां होने के भी योग बन रहे हैं। सिंह, पॉजिटिव, जो काम आज हो सकता हो उसे कल पर ना टालें। आप किसी भी काम के लिए थोड़ी कोशिश करें, बाकी मदद सितारे खुद कर देंगे। आज आपको अपने नौकरी या बिजनेस के टारगेट पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए, एकाग्रता से काम निपटाने की कोशिश करें। नए व्यक्ति से मुलाकात या दोस्ती हो सकती है जो आपके लिए बहुत काम का भी साबित होगा। बुजुर्गों की मदद करनी होगी, परिवार के कुछ लोगों से अपने कामकाज और प्लानिंग शेयर कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा, परिवार की मदद से ही आपकी आर्थिक समस्या सुलझ सकती है। दिल और दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, नेगेटिव नकारात्मक प्लानिंग से दूर रहें। किसी काम को करने में संकोच, कॉन्फिडेंस की कमी या सुस्ती भी महसूस हो सकती है, आप अनमने हो सकते हैं। आपको इस बारे में सावधान भी रहना होगा कि लोग आपका गलत फायदा न उठा लें। आपका ध्यान दूसरों के मामलों पर रहेगा और उसमें उलझ कर आप अपना काम भी भूल सकते हैं। क्या करें, नेगेटिव विचार आने पर अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, आपका पार्टनर बहुत भावुक हो सकता है। पार्टनर का मूड खराब है या बोलचाल बंद है तो उसे ना छेड़े, करियर बिजनेस में विवाद की स्थिति बन सकती है। नई योजनाओं से फायदा हो सकता है, मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा हो सकता है। हेल्थ, आपकी सेहत पहले से ठीक रहेगी, शारीरिक दर्द, एलर्जी या किसी तरह की जलन कम हो सकती है। कन्या, पॉजिटिव, सम्मान, प्रतिष्ठा और हैसियत बढ़ाने की दिशा में आज आप सक्रिय हो सकते हैं, कुछ नए मौके भी आपके सामने आ सकते हैं। आपकी योजनाओं को बड़ा समर्थन मिल सकता है, बिजनेस में सफलता मिलने की पूरी संभावना है, किस्मत साथ देगी। आप जितने सकारात्मक रहेंगे इस बदलाव को उतनी सरलता से अपना सकेंगे। आपकी दक्षता विशेष तौर पर पैसों के प्रबंधन में दिख सकती है, आप कंपनी के किसी काम का बजट भी बना सकते हैं। प्रेमी के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। शांत रहे, नए लोगों से मुलाकात से सफलता मिल सकती है। नेगेटिव, आक्रामक ढंग से कोई काम ना करें, फिर भी जरूरी हो तो सावधानी से करें वरना नुकसान हो सकता है, कुछ मामले आपको अपने विरुद्ध भी लग सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट संबंधी काम पूरे होने में परेशानी आ सकती है, क्या करें। सुबह सुबह केसर या हल्दी का दूध पिएं। लव लव लाइफ में दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, किसी बात पर जीवन साथी से अनबन हो सकती है। करियर, निवेश करते समय सावधानी रखें, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ग्लैमर से जुड़े लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ, माता की सेहत थोड़ी नरम भी हो सकती है। तुला, पॉजिटिव, किसी खास काम में नई शुरुआत का समय है, आप में उत्साह हो सकता है, आप बहुत कुछ कर लेना चाहेंगे, आपको धीरे धीरे सफलता भी मिल सकती है।
कुछ पुरानी योजनाओं पर काम नहीं हुआ था, उन पर काम शुरू करने की कोशिश करें। आपके आसपास जो भी होता हो, उस पर नजर रखें। अपने काम पर ध्यान दें। आप आज वही करते रहेंगे जो आपका मन कहेगा। आने वाले दिनों में आपको नए बिजनेस, सौदे और नई नौकरी तक हर तरह के ऑफर भी मिल सकते हैं। आने वाले दिन में सोचे हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। नेगेटिव साझेदारी के कामों में सावधानी रखें। कामकाज निपटाने की प्लानिंग में बार बार ना बदलाव ना करें। आप ज्यादा सोच विचार के पक्ष में नहीं रहेंगे। रोजमर्रा और पार्टनरशिप के कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। कुछ मामलों में भी सावधानी रखनी जरूरी है। पुरानी परेशानियां बनी रह सकती है। फालतू किसी और का काम करने के झंझट में ना पड़े। जोश में आकर कोई जोखिम भी ना ले। किसी से कोई वादा भी ना करे और ना ही किसी को आश्वासन दे। क्या ना करे, घर से निकलने के बाद पीछे मुड़ कर ना देखे। लव प्रेमियों के दिन शुभ नहीं है। पार्टनर से अनबन होने के योग बन रहे हैं। आपके कारण पार्टनर का मूड भी खराब हो सकता है। करियर सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिल सकती है। हेल्थ पेट संबंधी रोग होने की संभावनाएं बन रही है। मसालेदार भोजन से बचें, चोट भी लग सकती है। वृश्चिक राशि, पुराने किए हुए कामों से फायदा हो सकता है। कोई पुराना बिल या एहसान आज आप चुका सकते हैं। पुराना दोस्त भी अचानक काम आ सकता है। किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना सकते हैं। पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने और जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव लाने का सही समय है। जो भी काम आपके लिए खास है, वो आज ही निपटा ले। शांति से दिन बीतेगा। आपकी मेहनत कम हो सकती है। कोई निजी समस्या है तो आपको उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है, जिससे आपकी मुश्किल आसान हो सकती है। पैसों के क्षेत्र में कुछ नई पहल भी आप कर सकते हैं। आपको हर कोशिश में अपने जीवन साथी का साथ मिल सकता है। नया फोन खरीदने का मन बना सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें। शांत रहने की भी कोशिश करेंगे। नेगेटिव, अपने ही किसी दोस्त से टकराव होने जैसी स्थिति बन सकती है। किसी से पैसों से जुड़ा कोई भी वादा ना करें। निवेश की प्लानिंग भी ना बनाएं। आसपास या साथ के लोगों को पैसों से जुड़ी कोई भी राय देने से बचें। क्या करें, घर से निकलते वक्त प्ले बाया लेफ्ट पैर बाहर निकालें। लव जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। दिन अच्छे से बीतेगा। करियर बिजनेस के लिए समय उत्तम है। आज किए गए निवेश से फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परीक्षा में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नए और बड़े लोगों से कांटेक्ट होने की संभावना बन रही है। आपको फायदा हो सकता है। हेल्थ, आपकी सेहत भी सामान्य हो सकती है। थोड़ी बहुत शारीरिक परेशानियां हो सकती है। धनु राशि, आप अपनी बुद्धिमानी से सब संभालने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने का दौर है। जो काम आपको दिया जाएगा, उसे तुरंत स्वीकार कर लें। आप जो भी करेंगे, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी रहेगी। लोग अपनी परेशानियां आपके सामने रख सकते हैं। लोगों की समस्या सुलझाने से आने वाले दिनों में आपको फायदा हो सकता है। किसी कार्यक्रम से भी यात्रा करनी पड़ सकती है। नेगेटिव, नौकरी या बिजनेस में किसी मामले को लेकर विवाद हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशानी, भागदौड़ और टेंशन बढ़ने की संभावना है। कुछ लोगों का व्यवहार आपको समझ नहीं आएगा। अपने ही लोग आपसे उलझ सकते हैं। साथ के कुछ लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। आपके नजदीकी संबंधों में कोई अनचाही घटना भी होने के योग है। घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। अचानक धन हानि का योग है। सावधानी से वाहन चलाएं। क्या करें, घर या आसपास के किसी बच्चे को 1 सिक्का देकर घर से निकले। लव जीवन साथी के साथ अनबन होने के योग बन रहे हैं। अपनी बातें मनवाने से बचें। पार्टनर की भावनाएं समझने की कोशिश करें। करियर साझेदारी के बिजनेस में फायदा होने के योग बन रहे हैं। पैसों से जुड़े बड़े फैसले किसी करीबी की सलाह लेकर ही करें। हेल्थ, सेहत ठीक ठाक रहेगी। वाहन से सावधान रहे।
मकर पांच ज्योतिर्लिंग गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पांचवी राशि में है। अपनी सोच सकारात्मक रखें। जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया और रचनात्मक सोचना होगा। जितना सकारात्मक सोचेंगे उतने ही सफल भी रहेंगे। अपने लिए नए मौकों की तलाश करें। आप जिससे भी बात करेंगे उसे अपनी राय से सहमत कर सकते हैं। आज आपके तीखे और चतुराई भरे लाइजिक का किसी के पास कोई उत्तर नहीं होगा। परिवार के किसी खास मामले पर आप अपनी राय निर्णायक ढंग से रखें। आपके दिमाग में नए विचार आ सकते हैं। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। बिजनेस में भी बदलाव का मन बन सकता है। नेगेटिव आपके लिए दिन लगातार उठापटक वाला हो सकता है। कुछ कठिन स्थितियों के कारण मन में बेचैनी रहेगी। संतान से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। सामाजिक और सामूहिक कामों से दूर रहना होगा। किसी बात की ज्यादा जिद भी ना करें। संतान के मामले में किसी तरह का डर भी बना रह सकता है। क्या करें, मुनक्का दाग खाकर घर से निकले। लव पार्टनर से सहयोग और पैसा मिलने के योग है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली हो सकती है। करियर बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती है। लेन देन में सावधानी रखें। ग्लैमर से जुड़े कुछ लोग अपने परिणाम से असंतुष्ट हो सकते हैं। हेल्थ अगले संबंधी रोग होने से परेशानी होगी। मौसमी बीमारियां हो सकती है। कुंभ पांच जटिल व्यस्तता वाला दिन रहेगा, जिसमें आपको बहुत ही शांति से काम करना पड़ेगा। दूसरों की बात गंभीरता से सुने। कोई दोस्त या प्रेमी आपको सरप्राइज दे सकता है। लोग आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। प्रेमी से अपने मन की बात कह दे। आपको रोमांस के अवसर भी मिल सकते हैं। कागजी काम पर ध्यान देना होगा। काम निपटाते जाएंगे और आप प्रसन्न होते जाएंगे। आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। नेगेटिव अपनी प्लानिंग किसी के सामने ना रखें। खर्चे पर कंट्रोल नहीं होने से परेशान रहेंगे। थोड़ा तनाव भी महसूस होगा। कुछ नया करने की कोशिश ना करें। आप अपनी बात जितनी जोर से कहेंगे समस्या सुलझने के बजाय उतनी ही उलझ सकती है। फालतू खर्चा होने के योग है। पैसों के मामले आपकी उलझने भी बढ़ सकती है। उधार पैसा या लेन देन करने से बचें। क्या करें, शक्कर या चावल खाकर घर से निकले। लव अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव लाइफ के लिए दिन अच्छा है। करियर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए फायदे का समय है। निवेश का फायदा होगा। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ जरूरी चेकअप करवाते रहे। पेट या गले संबंधी रोग की संभावना है। मीन पॉजिटिव अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पर किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे और दूसरों को भावनात्मक ढंग से समझने की कोशिश भी करेंगे। आज आप कोई अनबन या उलझा हुआ मामला सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। कोई पुरानी कुंठा या हिचकिचाहट भी खत्म होने की संभावना है। कोई ऐसी बात या परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी सोच बदल जाएगी। यह बदलाव आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए दिन सकारात्मक हो सकता है। पैसों का फायदा होने और कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि आपके नाम होने की भी संभावना बन रही है। प्रेम संबंध और भरे भी हो सकते हैं। नेगेटिव बिजनेस और रिश्तों के मामले में थोड़ा दबाव हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों पर आपको कोई साफ फैसला करने में परेशानी हो सकती है। किसी खास व्यक्ति से जलन की भावना भी हो सकती है। क्या करें, गौशाला के लिए दान दें। गाय को प्रणाम करें। लव अविवाहित लोगों के प्रेम संबंध टूटने का डर रहेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है। करियर जोखिम भरे सौदे ना करें। उधार दिया पैसा वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिल पाएंगे। हेल्थ, पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। सेहत में भी सुधार होगा।